हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जयमा टैरो में आपका स्वागत है। जयमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जयमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है, आखिर वो चुप क्यों है। जी हाँ, जिस पर्सन को आप डील करते हो, प्यार करते हो, जिसके लिए कई सपने सजा के बैठे हो, लेकिन जब रिश्तों की बात आती है, आगे बढ़ने की बात आती है, वो पर्सन आपको कोई क्लैरिटी नहीं देता। तो इसलिए आपके मन में ये डाउट रहता है कि ये हर बात पे तो बात करते हैं, लेकिन चीज़ें आगे ले जाने के टाइम ये बोलते नहीं। आखिर वो चुप क्यों है। कोई मजबूरी है, या कोई फाइनेंस की दिक्कत है, फैमिली की दिक्कत है, या उनकी मन में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको शेयर नहीं करते। ही शी सेम जेंडर सबके लिए है ये रीडिंग, कलेक्टिव और टाइमलेस है। टाइम की कोई पाबंदी नहीं। जब ये वीडियो आपके पास आए, जब आप वीडियो के पास पहुंचे, कभी भी आप इसको देख सकते हो। कोई ना कोई क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस आपको जरूर मिलेगी, जो है आपके हित के लिए जरूरी। चलिए मैं देखती हूँ, निकालती हूँ डिवाइन टैरो आज आपके लिए कौन से कार्ड निकालने वाले हैं। नाइन ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, पेज ऑफ पेंटिकल, ये गाइस दो कार्ड एक साथ आ गए। एट ऑफ द वर्ल्ड का कार्ड और एट ऑफ पेंटिकल्स, द मून, लीजिए ये कार्ड आया काम का, सिक्स ऑफ कप्स। लीजिए सेवन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ डेक। तो गाइज चलते हैं रीडिंग की तरफ। पहले मैं कुछ नंबर बोलने जा रही हूं, देखना अगर आपको ये सात नंबर मैच करें तो मुझे जरूर बताना। थ्री नंबर, फाइव नंबर, सिक्स नंबर, नाइन नंबर, एट नंबर, 21 नंबर, सेवन नंबर और 18 नंबर। ये कुछ नंबर ऐसे हैं, हो सकता है ये आपकी लाइफ में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, आपके और आपके पर्सन की यादों के साथ कुछ जुड़े हों। जैसे आप लोगों का कोई सेलिब्रेशन, लॉन्ग ड्राइव या कैंडल लाइट डिनर। तो गाइस यहाँ सारी राशियों के साइन आए हैं, यानी कि सभी राशियों के लिए ये रीडिंग है। वैसे जनरल रीडिंग कोई मायने नहीं रखती, कोई भी देख सकता है। पर तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी रीडिंग का टॉपिक है, आखिर वो चुप क्यों है। अगर चुप्पी की बात की जाए तो ये कार्ड अपने आप आ गए हैं। पहले थोड़ा सा आपके रिश्ते की तरफ चलते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है जो वो आपको रिप्लाई नहीं देते। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये देखिए द मून, थ्री के नीचे थ्री, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो आपके रिश्ते में
डेफिनेटली है, लेकिन ये पर्सन अगर आप कमिटमेंट मांगते हो, आपको कमिटमेंट नहीं मिलता, और ये पर्सन आपको पूरी तरह चीज़ें खोल के नहीं बताते, इनके दिल में मतलब फीलिंग अपनी खोल के नहीं बताते, ये अगर आप इनसे कमिटमेंट मांगते हो तो ये कमिटमेंट का इशू है, फैमिली का इशू भी है, फाइनेंस का कम नज़र आ रहा है, या हो सकता है कि इन ये शादीशुदा हो या इनकी लाइफ में कोई और हो, लेकिन जब आप ज़्यादा ज़्यादा जो इन पे प्रेशर डालते हो तो ये फिर उस चीज़ों से भागने लगते हैं। इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है थर्ड पार्टी, आपके पास आते हैं, आपको पसंद भी करते हैं, ये नहीं, अपने रिश्ते के लिए मेहनत भी मारते हैं, लेकिन इससे पहले कि अगर चीज़ें ना आगे बढ़े तो प्रॉब्लम हो, इसीलिए ये आपसे कोई बात खुल के नहीं करते, की बातों का रिप्लाई नहीं देते, अपनी फीलिंग जो है छुपा के रखते हैं, लेकिन इन चीज़ों का इनके ऊपर दबाव बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, ये आपको प्यार करते हैं। देखिए गाइस, द वर्ल्ड का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड बताता है कि हो सकता है आप लोगों का कार्मिक कनेक्शन है, आप में से कुछ लोगों का कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, कार्मिक सर्कल में ऐसा होता ही है, लेकिन ये बंदा आपको अपना वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है कि जो लोग सेपरेशन में है उनका रिकन्सिलेशन भी होगा, लेकिन वो अब आपको अपनी दुनिया मानते हैं, वो समझते हैं सारी चीज़ें, लेकिन आपके साथ अपनी खुल के फीलिंग शेयर नहीं करते, और ये पर्सन स्टक है आपके ऊपर, ये ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा घुमाने फिराने वाला, बातों में हर तरफ की चालाकियाँ नहीं जानते, हो सकता है आपसे एज में छोटे हों, लेकिन स्टक है आपके ऊपर, ये इंसान चीज़ें आगे ले जाना, आपसे भले ही ये बातें क्लियर नहीं करता, अंदर ही अंदर जो इसके साथ प्रॉब्लम चल रही है, जैसे फैमिली, फाइनेंस, या इनका कोई, जैसे हो सकता है कि आप दोनों में से एक मैरिड हो और एक सिंगल हो, तो ये मैनिफेस्ट करते हैं उन चीज़ों को, मैनिफेस्ट करते हैं उन चीज़ों को कि रिश्ता बना रहे, क्योंकि इनको जब ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो इनको लगता है कि आपसे भी ये दूर हो सकते हैं, कहीं ना कहीं फैमिली और फाइनेंस की प्रॉब्लम, क्रश की प्रॉब्लम, ज़्यादा मनमुटाव भी आप लोगों का, जैसे कि मैंने बताया भी कुछ लोगों का हो सकता है सेपरेशन में हो, लेकिन ये पर्सन से इन चीज़ों से खुद बहुत दुखी रहते हैं, जब आपको आपकी बातों का रिप्लाई नहीं देते, आपसे बातें छुपाते हैं, कोई चीज़ की क्लैरिटी नहीं देते, ये बर्डन फील करते हैं और ऐसे हो जाते हैं हताश से, इन्हीं चीज़ों को लेके देखिए बॉटम ऑफ डेक आया है 8, ये परेशान है इंसान, ये सोचता है, अपना समझता है इस चीज़ को, ये पर्सन की रिप्लाई मैं क्या दूँ, वो जानते हैं कि आप इनके लिए सीरियस हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़्यादा बढ़ी हुई है, यानी कि रिश्ते में खराबी ज़्यादा बनी हुई है, ये देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स है, ये आपका भी दिल दुखता है, आपका भी इन्होंने दिल दुखाया है, तभी किसी कुछ कुछ लोगों का सेपरेशन फेस भी आया है, लेकिन ये पर्सन चुप क्यों है, एक वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वक्त का इंतज़ार, ये आपको अपनी विश मांगते हैं, अपनी विश मांगते हैं कि आप इनकी विश हो जो इन्होंने पूरी अपनी करनी करनी है, चाहे उसके लिए जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े, लेकिन आपको पाना पाना है, लेकिन अभी आपके साथ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं देते, क्योंकि ये जानते हैं जब तक पूरी तरह कामयाब ना हो जाऊं, पहले खेल खेलने वाली बात गिनी जाएगी, इसी चीज़ को लेके आप भी नाराज रहते हो कि पूरी तरह बात खुल के नहीं करते, क्योंकि ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं फैमिली इशू भी है, रिश्ते में फैमिली इशू है और रिश्ते में प्रॉब्लम्स आती है, आप कहते हो कि
कि चीज़ें क्लियर क्यों नहीं करते, क्लैरिटी क्यों नहीं देते, लेकिन वो पर्सन अपना सारा हिसाब किताब अपना जानते हैं। वो चाहते हैं कि जब तक मैं पूरी चीज़ें सेटल ना कर लूँ, अपने अकॉर्डिंग ना चला लूँ, जिसमें कि मैं तो आपको अगर रिप्लाई दें तो एक पॉजिटिव दें। और कुछ वजह इन्हीं चीज़ों की वजह से कुछ लोगों का सेपरेशन फेस हुआ हुआ है, लेकिन आज भी आप लोग इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि आपका दिल जो प्यार है, सच्चा है, आप चाहते हो आपकी लाइफ में आ जाए, ये आपको विश समझते हैं। ये मेन कार्ड, ये देखिए, ये चीज़ें आगे ले जाना चाहते हैं, इनकी ऐसी इंटेंशन कोई नहीं है टाइम पास वाली, टाइम पास वाली कोई इंटेंशन नहीं है, ये चीज़ें आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन चीज़ों की क्लैरिटी नहीं कर पाते, क्योंकि इनको पता है कि जब तक पूरी तरह सेटल ना हो तब तक कुछ नहीं बताना सही नहीं है। मेहनत करेंगे अपने रिश्तों के लिए, एफर्ट लगाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे सीढ़ी, और तभी आपके पास आएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप लोगों का कार्मिक कनेक्शन है, और ये कार्ड ये भी बताता है कि अभी ये वक्त नहीं आया कि आपकी चीज़ें जो है सही हों, आगे बढ़ें। ये आपसे, जैसे ये कार्ड आए हैं, ये पर्सन आपसे ज़्यादा ये परेशान नज़र आ रहे हैं, ये परेशान नज़र आ रहे हैं, तभी मैनिफेस्ट करते हैं। जब इनको कोई समाधान नहीं मिलता तो ये ईश्वर की तरफ मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये कार्मिक कनेक्शन है। मून का कार्ड बताता है कि अभी जो वक्त है आपके फेवर में नहीं है। जब भी चीज़ें सही होती हैं, डिवाइन टाइमिंग पे होती है, परफेक्ट टाइम होता है डिवाइन टाइमिंग, उससे पहले कोशिशें करते जाओ, लेकिन मैनिफेस्ट करते जाओ तो चीज़ें आगे आ जाती है। यानी कि ये अगर इंसान चुप है तो ये चुप है, वक्त का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है, चाहे आप अभी रिश्ते में हो चाहे आप सेपरेशन फेज में हो, इंतज़ार कर रहे हो, वक्त का इंतज़ार करते हैं, और आपकी तरफ तभी आना चाहते हैं, आपको तभी क्लैरिटी देना चाहते हैं जब इनके बस में ये चीज़ें सारी हो जाएगी सेटल, जब ये कहेंगे नहीं अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें आगे ही बढ़ना है। इससे पहले ये ज़्यादा बता के अपने रिश्ते को और आपके रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहते, क्योंकि ये इस चीज़ को समझते हैं कि अगर एक बार रिश्ता ख़राब हो गया तो इतना सफ हो जाएगा कि फिर ख़त्म होने की कतार बार भी आ जाएगा। लेकिन गाइस, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इस पर्सन की जो इंटेंशन है आपके लिए बिल्कुल सही है, ये अपनी जगह, चाहे ये ही है चाहे शी है, मेरे मुंह से निकलता है क्योंकि हम खुद एक लेडीज़ हैं, ही है या शी है, ये आपके फेवर में ही है। ये रिश्ते को कुछ लोग होते हैं थोड़ा थोड़ा बताते जाते हैं, लेकिन टाइम पास वाली इंटेंशन होती है। इनकी जो इंटेंशन है आपके लिए क्लियर है, साफ़ है, भले ही ये आपके साथ फ्रेंड है, चाहे ये लिविंग में है चाहे रिलेशनशिप में है, कैसे भी है, लेकिन इनकी अंदर की भावना जो है अच्छी है, तभी ये मैनिफेस्ट करते हैं, वक्त का इंतज़ार करते हैं, और एक वक्त आने पर ये आपको सब कुछ बताएंगे भी। लेकिन अभी आपके ये जो कार्ड है ये यही बताते हैं कि टाइम का इंतज़ार करना है, वक्त का इंतज़ार करना है, अभी डिवाइन टाइम नहीं आया, टाइम लगेगा। और आप दिल में ये भावना ना रखो, जैसा कि मैंने बताया, ये आपको अपनी विश मानते हैं, अपना लकी कूपन मानते हैं, आप अपना गुड लक मानते हैं, और ये देखिए ये आपकी तरफ ऐसे बढ़ना चाहते हैं, एक मैरिज प्रॉपर्टी की तरह, मैरिज कपल की तरह। इनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है जो आप कहें कि नहीं ये पर्सन कुछ छुपा रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स है इनको पता है, इनके अंदर है, लेकिन ये आपको बता के अपने रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहते। ये देखिए ये दो कार्ड आए हैं, ये पर्सन कितना परेशान है, ये लेकिन खुद ही सेटल करना चाहते हैं। जब इनके पास आपकी बातों के रिप्लाई नहीं होते और अपने से इनसे चीज़ें
सेट नहीं होती तो ये मैनिफेस्ट करते हैं लेकिन दुखी होते हैं, लेकिन वक्त आने पर आप लोगों की चीज़ें सही होगी, क्योंकि रिकन्सिलेशन का कार्ड आया, द वर्ल्ड का कार्ड आया है कि आप लोग दोबारा इन्हीं चीज़ों के सब समाधान निकलेंगे, लेकिन एक कार्मिक कनेक्शन और एक वक्त दोनों का इंतजार है। जब ये कर्मा क्लींज होंगे, ये जो परेशानियाँ आ रही हैं ये आपके कर्मा क्लींज हो रहे हैं, जैसे ये हट जाएंगी समझ लेना कि आपका सही टाइम आ गया मिलने का। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए हरी झंडी कब होगी, यानी कि आपका डिवाइन टाइम कब आएगा। डिवाइन बताइए, ये जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर हैं, फ्रेंड हैं, इनके पर्सन जो इनके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या इनकी चीज़ें कब सेट होंगी, कब ये इनके पर्सन इनकी तरफ, ये चुप है, सिर्फ वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, इनका वक्त कब अच्छा आएगा। चलिए ऐसे पूछते हैं डिवाइन से। कार्ड बहुत उछल रहे हैं, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू, ट्वेंटी थ्री, वन टू थ्री, 22। गाइस, आपका जो कार्ड आया है 21 और 22, 23 में, 22 ज़्यादा पॉजिटिव आया है, रिकन्सिलेशन की वाइब कार्ड है ये। ये कार्ड ये बताता है जितनी प्रॉब्लम्स, जितनी परेशानियाँ, जितनी समस्याएं हैं आपकी सारी हल हो जाएंगी, यानी कि ज़्यादा इंतज़ार नहीं है, सिर्फ 3 महीने रह गए। ये 21 में है, हो सकता है आप लोग किसी सेलिब्रेशन में मिले मिलो, या कोई आप में थोड़ा सा आपको अपने रिश्ते में क्लैरिटी मिल जाए, लेकिन ये तो आप पक्की बात है कि आपके पर्सन जो है एक वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि चीज़ें सदा के लिए ख़राब हो जाए जल्दबाजी से। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। डिवाइन बताइए कि मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है, जिनके साथ ये रीडिंग मैच करती है, जो इतने दिल से रीडिंग देखते हैं, उनके लिए भी एक कार्ड बनता है। भाई लीजिए, आपके लिए तो दो कार्ड निकला है गाइस, ये कार्ड निकले आपकी तरफ। आपके लिए डिवाइन ये एडवाइज है व्यूअर के लिए डिवाइन ने, कि आप अगर ये चीजें चाहते हो, आप अपने पर्सन के साथ अगर इमोशनली अटैच हो, पर्सन के साथ इमोशनली अटैच हो, हम दो हमारे वाली दो वाली लाइफ चाहते हो, यानी कि मैरिज चाहते हो, खुशियां चाहते हो, एक लाइफ सेट चाहते हो, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकल बनना होगा, चीज़ों को समझना होगा, सेल्फ लव करना होगा, और बात बात पे रोना या दुखी होना नहीं, यानी कि नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं लानी, चीज़ों को समझना है। और अगर चाहते हो कि चीज़ें बढ़िया हो, जल्दी हो, तो वो मेरी तरफ से है, मैनिफेस्ट कीजिए। ओम क्लीम क्लीम कृष्णाय नमः। तो ये थी आपकी रीडिंग, जिसका टॉपिक था कि आपके पर्सन आखिर चुप क्यों हैं। तो गाइस, वो वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, चीज़ें सेट होने का इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए चुप हैं। आपकी बातों का तभी जवाब नहीं देते, लेकिन अंदर से उन चीज़ों को समझते हैं और अपने ऊपर स्ट्रेस फील करते हैं कि काश मैं रिप्लाई दे सकूं। तो ये थी आज की रीडिंग, जो मैं करने जा रही हूँ क्लोज्ड। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है, एक टच ही तो करना है। बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आप तक। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।
और जय माता दी। खुश रहो, आबाद रहो।